अच्छी की थी और मैं एज अ कराची मैं भी चाहूंगा कि उन्हीं का ही मेयर बने ताकि कराची के लिए कुछ काम हो। आई एम सॉरी टू से पीपल्स पार्टी की, मेरा किसी टाइम पे बहुत ज्यादा मेरा पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव था, लेकिन ये जो गुजरे सालों में उनकी परफॉर्मेंस रही है ना कराची के हिसाब से खास तौर पे, वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब जब उन पर तनकीद हुई तो वो बसे भी ले आए, तो ये भी ले आए, तो वो भी ले आए, लेकिन मेयरशिप जो है वो जमात इस्लामी को मिलनी चाहिए। एंड आई होप कि ये नेमत साहब वाला ही काम करेगी। चलिए ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जनाब जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चला है, बहुत मैसिव रिलेवेंट बात करना चाह रहा हूँ भी, जो अभी जो डिस्कशन हो रही है कि जो जमात इस्लामी के बारे में ये कह रहे हैं रहमतुल्ला और निमतुल्ला जो भी इनके थे और उन्होंने बड़ा काम किया, इससे पहले पे अगर थोड़ा और पहले जाए जमात इस्लामी के जब मेयर अगवानी थे उस वक्त इन्होंने सारे जो वाटर के जो मेन जो हेडर्स थे उनको ट्रिप करवा दिया था कराची के लिए खासकर। और दूसरी बात ये कि आज एमक्यूएम जो आप देखे एमक्यूएम ने भी जो उसके कायदे एक नारा लगाया था उसको उठा के उन्होंने बाहर किया, पार्टी ने फिर वोट लिया और आ गई, जितने भी उन्होंने वोट लेके आ सकते थे रियासती जो भी दहशत गर्दी उन लोगों के ऊपर हुई लेकिन वो आ गए, वो इस वक्त नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अभी जो ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी के जो है वो बहुत ज्यादा अक्सरियत से है और यह जमात इस्लामी की बहुत अक्सरियत है, ये बहुत ही स्टूपिड बात है, क्योंकि ये दोनों ही रिलेवेंट नहीं है कराची के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कराची हैदराबाद मीरपुर खास सक्कर आई नो द डायनेमिक्स, और मैं आपको चैलेंज से ये बात कहता हूँ कि आज भी अगर देखिए आज सिर्फ इमरान खान पे खलका साहब 15 दिन का एक आर्मी की तरफ से एक एक्ट हुआ है और वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि पकड़ दगड़ की जो भी इस तरह की कोई भी तंजीम होती है वो नजरियाती पहले भी नहीं थे वो अब भी नहीं है। जी 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 जल्दी से कर दें, फिर दोबारा कॉल कर लीजिएगा, जल्दी दे दें, बहुत कॉलर आ रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम जी, साथ रहे, बाद में लेती हूँ जी। हेलो जी, हेलो जी, जी 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 जी, मैं आपका भी प्रोग्राम देखा, आपके कॉलर बड़े अच्छे तबसरा करते हैं, वही मैंने कहा चलें आपसे भी चीज शेयर करता हूँ। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है क्योंकि 9 मई का जो वाकया हुआ है बहुत ही तकलीफ दे, बहुत हर हम सब पाकिस्तानियों को बहुत अफसोस है, लेकिन अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जो पंजाब निकरा गवर्नमेंट जो है वो 2:45 से लेकर 6 o'clock तक सारे स्टेप्स को वॉच कर रही थी कि वहां पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन मुझे हैरत की बात है कि इस दौरान सब कुछ होता रहा लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, मतलब ये कैसे होता। राइट, बहुत अच्छी बात की आपने जी, वॉकिंग डिस्टेंस पर था और कमांडर ऑफिस के लोग आकर के उसको रोक सकते थे, वो भी नहीं रोका, मतलब। और क्या नाम है आपका, नाम क्या है आपका जी? मेरा नाम सैयद नाम है मेरा जी जी। तो और सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं जी, मैं यही मुझे हो रहा है देखें। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आर्मी एक्ट लगाया गया है, मतलब अफसोस ये कि हम पाकिस्तानी हैं जिनको आर्मी जी 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 आप समझ रहे हैं, और अगर आर्मी इतना ही नहीं था तो जब जैनब का